सिख चैनल देख रही यूके यूरोप ते देश विदेश की संगत नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह प्रोग्राम करंट अफेयर दे विच देश विदेश की संगत का स्वागत है। मैं हरिंदर सिंह गिल ते अज दे इस प्रोग्राम दे उत्ते पंजाब दीआं कुछ खास खबरां दे उत्ते करांगे चर्चा। ते मेरे नाल ने साथ देण लई सीनियर पत्रकार सरदार जसबीर सिंह जी पट्टी। आओ उन्हां नाल फतेह की सांझ पा के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पट्टी साहब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी पट्टी साहब, सब तो वड्डी ते अहम खबर जिहड़ी पंजाब दी सोशल मीडिया दे उत्ते छाई हुई आ, ये आ कि पिछले पंजां दिनां तों एक फतेहवीर नाम दा बच्चा जिहड़ा संगरूर दे पिंड भगवानपुरा दा बोर दे विच डिग्गिया होया आ, उसनूं अजे तक भी बाहर नहीं कढ़िया गया। हो सकदा कि जदों तक साडा प्रोग्राम टैलीकास्ट होणा आ उदों तक शायद उह बाहर कढ लिया जावे, पर अज सोमवार दी सवेर आ तां गल करिए अजे तक भी उस बच्चे नूं बाहर नहीं कढ़िया गया। ते तुसीं की समझते जो इस दे विच केस दी नलायकी आ, क्यों नहीं कढ़िया गया? जे किसी मंत्री का बच्चा हुंदा तां शायद कुछ ही घंटियां दे विच उसनूं बाहर कढ़ लिया जांदा। एक बड़ी पुरानी गल है जी, जिहड़ी गल तुसीं कही मैं उहदे तों शुरू कर रहा। मेरे ख्याल 1972-73 दी कोई गल होगी जी। उस टाइम जो दो बदमाश सी रंगा ते बिल्ला जी, जिहड़े बच्चों नूं आगाह करके फरौतियां भी देंदे सी, बच्चे मार भी देंदे सी जी। उन्होंने पता नहीं किन्ने क्राइम किया सीगा, ते किसी सुनवाई नहीं की, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जी एक आर्मी का अफसर सीगा जी, उहदे बच्चे जो दो अगवा किए तो उन्होंने मारता, तो पूरे देश में तसल्ली मच गई सी। उन्होंने फड़िया गया, बाद में कहा शायद वह फांसी लाए गए सी, जो मेरी इनफॉर्मेशन के मुताबिक जी। तो जिहड़े पहले एक गरीब के बच्चे मारे गए थे, किसी बात नहीं पूछी। उस टाइम के उत्ते कम्युनिस्टा की अखबार जी नवा समाना वा जी, किसी ने कहा सी मासूमां का कतल, किसी ने कहा सी इंतहा हो गई है जुल्म दी जी। लेकिन नवे समाने ने लिखा सीगा कल तक गरीब के बच्चे मरते सी ते किसी ने कोई फिक्र नहीं सी, अज जे अमीर के बच्चे मरे तो इन्नी बवाल क्यों जी। अज फतेहवीर जिहड़ा वह गरीब का बच्चा वा जी, जे कितें अमीर का हुंदा तो शायद मेरे ख्याल इत्थे आधुनिक मशीनां विदेशों भी आ जाणियां सी। साढ़े कोले इहो जिहे कोई प्रबंध नहीं हैगी इंडिया के कोले भी जिहड़ियां इहो जिहियां आफतां दे नाल असी टकरा कर सकीए जी। पिछले दिन ही जिहड़ी गुजरात च अग लगी आ, उहदे विच उहनूं कोई पौड़ी है नहीं गी, बिल्कुल पौड़ी नहीं हैगी, पौड़ी ला के उत्थे असीं अपना पानी नेड़े हो के सुट सकीए। सब लोग सोशल मीडिया से कमेंट कर रहे कि साढ़े को मिजाइलां ते हैगियां जिहड़ियां दूसरे देश के उत्ते मैं उत्थे आउण लगा जी। जी एक पासे स्पेस की गल करते हैं भी स्पेस दे विच बड़ी तरक्की की है जी, एक नंबर पर पहुँच के विज्ञान के विच असीं जे स्पेस से पै गए पहले धरती से बंदोबस्त कर लो अपने नागरिकों का, नागरिक कितने तुहाडे खड़े। बिल्कुल जे NDF जी बनाई गई है, नैशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्सेस बुलाई गई है, वो स्पैशल दिल्ली तो बुलाई गई है। पिछले समय जो अग लगी सी तो प्रधानमंत्री के स्पैशल आदेश से सारी स्टेट्स जी लैटर कड़िया गई सी भी तुसी आप अपनी फोर्सेस बनाओ स्टेट लैवल के उत्ते, लेकिन किसी नहीं बनाई। अज जो वो फोर्सेस आई आ, उन्होंने कोई यहोजा कम नहीं किया, उन्होंने को मशीन नहीं हैगी, तो वर्मा मार के भी जी थले धरती जी बोर करके तो कढ़े जा सके। एक बाल्टी है थले बंदा गया, बाल्टी खुदाई करता वा, बाल्टी च पाँदा वा उपर आ जाता, फिर बाल्टी जाती थले, इदा कम कि चलूगा। हुण जग्गा सिंह जिहड़ा मुंडा हैगा वा, वह कहिंदा 50-60 फुट तक मैं खूहियां दा पुटदा रहा, मेरा तजर्बा हैगा 50-60 फुट तक मैनू किसी किस्म की आक्सीजन की लोड़ नहीं पैंदी, ये 120 फुट तक आ, 100 फुट तक उन्हें कल ने खुदाई की है जी, अज उन्हें लांभे क्यों कर दिता गया? भावें वह कह रहा मेरी सेहत ठीक नहीं हैगी, अज उन्हें लांभे कर दिता गया। लोगों च रिजेंटमेंट है, लोग उत्थे मजारा कर रहे सरकार के खिलाफ, हूँ लोग यही सवाल कर रहे भी जे अमीर का बच्चा होंगे कहीं मिनिस्टर का बच्चा होंगे तो उन्होंने इतने बड़ा कुछ हो जाना सी, एक गरीब का बच्चा करके तुसी केयर नहीं कर रहे। कला DC आता वा वेख के चला जाता वा, SSP आता वा वेख के चला जाता वा, कोई भी इन्हों का सीनियर अधिकारी नहीं आया जिहड़ा एक गल का एक्सपॉइट हो। जिन्होंने जाके बिहार के जसवंत सिंह गिल जिन्होंने कई मजदूर बचाए थे, उन्होंने आप कहा भी जे मेरी सेवाओं की लोड़ तो मैं तैयार हाँ,
उन्हां तक ना प्रशासन ने सरकार ने इतक अप्रोच नहीं की। बजुर्ग अवस्था भी कहते भी मैं कम करने तैयार। जी जी बिल्कुल। इस करके आप कह दिए भी सरकार नहीं चाहती भी फतेह वीर सिंह जिहड़ा वा वो जिंदा बचे। जी मैं इत्थे अकेली दी गल करदे आ, असी जिहड़े शराब पीण वास्ते भावें 500 दी बोतल लै लईए जी, एक 200 दा टक्कण असीं नहीं रख सकदे उत्थे। बिल्कुल, इह साडी बदकिस्मती है। असीं कित्थे तुरे फिरदे आ दुनिया दे विच। जी मैं ये कहना भी जिन्हें भी यहो जे बोर है उन्होंने बंद किया जाए, उन्हें ढक्कन लाए जान, उन्होंने हिफाजत की जाए, उन्हें वेख्या जाए भी ये बंद क्यों किए गए। इस करके ये पहली कहानी नहीं, 2006 दे विच प्रिंस नामी एक लड़का जिहड़ा सी कुरुक्षेत्र दे विच हल्दो खेड़ी पिंड सी उहदे विच डिग्गा सी बोर्ड दे विच, वह 60 फुट तक गया सी। ये डबल आ जी, 60 फुट तक आर्मी वाले के खुदाई करके तो उन्होंने कढ़िया सी जी, तो बच्चा बच गया सी जी। इस वेले जिहड़ी सिचुएशन परसों तक तो डॉक्टर कह रहे थे भी बच्चा तो साह लै रहा वा जी, अज डॉक्टर की टीम उत्थे जरूर बैठी है लेकिन किसी का कोई रिएक्शन नहीं है जी। मैं सोचता भी फतेह वीर नूं बचाउणा बहुत जरूरी है, नाल सरकार नूं भी शर्म चाहिए थोड़ी बाली जी भी इहो जिहियां घटनावां नूं रोकण वास्ते उपराले करे। इत्थे दे शहर दे विच तुसीं वेख लो कई वार तुरे जांदे हो, हुण तो चलो नहीं, पहलां जिहड़े सी अमली रोल सी रात नूं ढक्कण चुक्के लै जांदे सी जी जी, कई बच्चे डिग पैंदे सी विच। इस करके सरकार नूं चाहीदा भी इहदे प्रोपर प्रबंध करे, प्रोपर महकमा बनावे इहदा जी, ते प्रोपर वास्ते फंड रख्या जावे तां कि भविख दे विच ऐसी घटना वापरदी आ जी ते उहदा मुकाबला कीता जा सके जी। पटी साहब दूसरी वड्डी खबर जिहड़ी आ उह इह आ कि नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी दे नाल दिल्ली च मुलाकात की आ, प्रियंका गांधी भी उत्थे हाजिर सी। इस मुलाकात दे की मुआयने जिहड़े आ उह कढे जा सकदे आ, क्योंकि लगातार वाद विवाद जिहड़ा आ उह कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल जिहड़ा आ उह नवजोत सिंह सिद्धू दा चल रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू जी कहिंदे हुंदे आ दुआए अपने मियां वी गर्म ते गोलियां वी गर्म, दोवें इक सिक्के दे दो पहलू जी, घट कोई नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा ते सिद्धू दे परिवार दा कोई नवीं खड़कण नहीं लगी जी, इन्हां दी पुरानी खड़कदी है। जिहड़े सिद्धू साहब इन्हां दे परिवार जिहड़े फादर सी एडवोकेट भगवंत सिंह जी, उह पटियाला जिहड़ी सी दिहाती कांग्रेस दे प्रधान रहे काफ़ी चिर, बड़े तगड़े एडवोकेट सीगे जी, कौड़े इन्ने सी भी उह बड़ी सच्ची सुची गल करके अगले दा दिल तोड़ दिंदे भी आह गल किवें हो सकदी, ते जिहड़े मुकदमे नूं हत्थ पा लिया जी ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝੋਤਣ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਏ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਦੋ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 20 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਰਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੀ। 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਰੰਗ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ PDA ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 37,000 ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਸਲੂਟ, ਹਾਂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਕੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2,800 ਕਰੋੜ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 1,400 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਡੋ ਲੈਣੀਆਂ ਭਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਲੈ ਲਓ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ IG ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ STF ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅਤੇ 70,000 ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ 'ਤੇ 100 ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਕਿਉਂ ਪੈਂਡਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ CB ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਥ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਟੋਪੱਧਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਦਾ SSP ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
जेडे पुलिस अधिकारी समय सिर कार्रवाई करके वह चलान पेश करे तो उन्होंने सज़ा करवाएंगे उन्होंने भी इनाम दिता जाएगा। जेडे पुलिस अधिकारी शामिल ने नशा के उन्होंने खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सोचता मैं पुलिस ने उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी। कैप्टन साहब बयानबाजी जन्नी बेजी कर लो 100 वारी कह चुके नशे बारे, पर नशे जोड़े आ वो खत्म नहीं होए ना गा खत्म होने आ, क्यों सरकार आप ही नहीं चाहती। इन्होंने थले जो लीडर ने वो आप नशे पकाते हैं, भावें वह अकाली हो भावें कांग्रसी हो, थोरों की पड़ताल कर लो, ईडी की पड़ताल दे दो अज तुम, अच सब कुछ समझ आजूगा कि बेचता वा उन्होंने जनता करके कार्रवाई कर दौ अगले सरकार तो दिन चौथे दिन। इस करके कैप्टन साहब जो मर्जी कही जाते हैं लेकिन मैं नहीं सोचता भी फ्रूटफुल रिजल्ट निकलूगा जी। भट्टी साहब सिख रैफरेंस लाइब्रेरी को लैके भी पिछले दिनों के उत्तों थोड़ा जहा भी चीज़ गरमाई हुई है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को फौज ने सिख रैफरेंस लाइब्रेरी के संबंधित दस्तावेज जोड़े वापस कर देते ते अजिहियां कुछ चिट्ठियां निकलियां ने सामने आए ने जिहड़ियां तो यह पता लगता आ कि कुछ सरूप जोड़े आच दते गए तो बहुत कुछ होर समान जोड़ा वो वेचा गया। मामला की है पूरा जितों तक वेचण की वाल गल आ जी जी एस जी पी सी वाले कुछ भी कर सकते उत्थे बड़े बड़े कलाकार बैठे आ वो कुछ भी कर सकते जी। मैं एक तुहानू एक दो गल्लां पिछले दसण लगा पिछे जे इन्होंने किया ज्ञानी गुरभजन सिंह जहेदर अकाल तख्त होंगे तो मक्कड़ साहब प्रधान होंगे इन्होंने ठगी ठुरी का जोड़ा मामला शुरू करने वास्ते की किया भी एक कलगी मंगाई विदेश तो भी ये कलगी दसों पातशाह की है। वह कलगी एयरपोर्ट से आई बड़ा सजा के अगे वो तूतिया बाजे ला के वे अगे कीर्तनिया गड्डिया ला के बड़ा सत्कार लिया कलगी इतने। मेरा बेटा जोड़ा वा इस मामले में काफ़ी इंट्रस्ट सी उन्हें एक अखबार से बयान दिता कहिंदा भी हुण तक जिहड़ी साडे कोल रिपोर्ट के मुताबिक ये गुरु साहब की कलगी ये नहीं हैगी जो कही जा रही है, लेकिन सानू एक इहदा छोटा जिहा दे दिओ छोटा जिहा असी दस देंगे भी ये कलगी कदों बनी ते इहदी किन्नी उम्र है जी। जदों इन्ना बयान छपिया भास्कर अखबार ने मेरे बेटे की फोटो छाप के बड़ी वधाई खबर लाई सी जी ते एस जी पी सी दे जहदरां दी मामर मुड़ के इन्ना वो कलगी अज स्टोर सुटी है जी जी गुरु साहब की कलगी कहिंदे सी। इस करके एस जी पी सी के उत्तों कोई भी कार्य जी गल तुसीं कह रहे हो वेचण की इनकार नहीं किया जा सकता जी। लेकिन मैं एक गल कहूँगा भी जदों जून दे विच जून 1984 बोरे भर के समान साडा खड़िया वा तो 27 सितंबर नूं 27 सितंबर 1984 नूं कुछ समान उदों आर्मी ने वापस किया सी इन्हां जी इनफॉर्मेशन ऑफिस के भान सिंह सैकटरी से उदों उस समान के नाल जी 27 नूं इन्हां वापस किया 28 नूं जिहड़ा सी तोशे खजे चाबियां देतियां सी अकाल तख्त दे दियां एस जी पी सी नूं प्रबंध जिहड़ा देता सी 28 तरीक नूं 3-4 महीने बाद उदों बाद जिहड़े ओह फिर समान आया। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जदों प्रधानमंत्री बने उदों भी काफ़ी समान वापस आया इस कोई दो राव नहीं है। उन्हें साइन कराया एक दे उत्ते किसी जोगिंदर सिंह ने साइन किए नाल रणबीर सिंह कहिंदे लेकिन बलबीर सिंह बलबीर सिंह लाइब्रेरियन से इंचार्ज सीगा जिहड़ा उत्थे किताबां नूं जिहड़े सी नंबर नंबर आउंदा सीगा और उहदी इंटरव्यू छपी आ भी समान लिया। हुण सवाल यह पैदा हुंदा वा कि साढ़े 1500 दस्तावेज सीगे उत्थे ते उह 185 वापस आए बाकी नहीं आए असीं कहिंदे बाकी भी दे दिओ ते जे इहना समान वेचिआ विदेश जा के जिहड़ा 4000 पाउंड की गल की जा रही आ तो मैं सोचता फिर किसी को समान मंगन की लोड़ नहीं फिर इन्हों के विचों कढ़ो जिहड़े जिहड़े कहिंदे हड़कवाया कुछ सी जी। आर्मी कहिंदी देते असी होम मिनिस्टर कहिंदा असी देते आ जी ते समान गया कित्थे फिर जी। हुण जिहड़े साडे मानयोग गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी ने जी उन्होंने एक 13 तरीक नूं मीटिंग कॉल की मौजूदा तो पुराने अधिकारियों सारे इकट्ठे हो जाओ तुसीं जी। जे अखबार ने लिखा तो कुछ सोच समझ के लिखा एवं धूल चित नहीं भजाए उन्हें जी। मैं तुहानू थोड़े होर नाल जोड़ दिया 1984 दे विच जदों अकाल तख्त आया गया वा जी उत्थे साढ़े इतिहासिक शस्त्र पए सी इतिहासिक शस्त्र जिहड़े सी वह अग दे विच जिहड़े सी वह विंगे हो चुके सीगे उन्हां दी जिहड़ी अगे फाल सी ए मुड़ चुकी सीगी उस टाइम दे उत्ते जिहड़े साढ़े गृह मंत्री बूटा सिंह सीगे उन्हां दी अगवाई हेठ एक 4 मैंबरी कमेटी बनी सी उहदे विच मेरे ख्याल शायद तत्काली एक मैनेजर दरबार साहिब सीगा
एक हैड ग्रंथी अकाल तख्त सी ज्ञानी भगवान सिंह जी, एक शायद मैंबर हरदरबीर शाह सीगा, एक बूटा सिंह। बूटा सिंह जी स्पैशल आते सी दिल्ली तो जी बई एयर, इतने आके गुरु नानक निवास के कमरे उन्होंने रिपेयर की जाती सी। वो सारे रिपेयर किए हुए ने जिहड़े विंगे टेढ़े हो गए सी, कितों गल गए सी, टुट गए सी, जोड़ लाए गए, चंगी ध्यान नाल वेखो जगत सी वो तैयार करवाए सी उन्होंने जी। तो जे वो इमानदारी ना ये तैयार करवा सकते तो फिर समान ही वापस कर सकते। इस करके मैं ये गल कहूँगा भी श्रोमणी कमेटी को अपने अंदर झात मारनी चाहिए है भी जे उन्हें समान वेचिया वा जां वेचण की कोशिश की आ, तो जिन्हें एक कानूनी हरकत की उन्होंने खिलाफ जिहड़ा वा इमीजिएटली मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। आम तौर पर की हुंदा वा श्रोमणी कमेटी काला माला हुंदा वा उन्होंने जुर्माना पा दो जी, कभी मुकदमा दर्ज नहीं हुंदा। जे कि जो चौं बंदियां दे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा के अंदर दिते होण अपने आप बंदे दे पुत बन जाण। इस करके जिहड़ा ये जे समान गया बाहर गया वा इहदी मैं कहिंदा हाई पावर कमेटी बना के इनकुआरी करनी चाहिए आ, समान कित्थे आ, किवें कि गया, वो जाके आर्मी नूं मिलण, वो CBI नूं मिलण, वो IB नूं मिलण, वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नूं मिलण, वो समान की कोक करन किहड़ा किहड़ा समान आया ते किहड़ा किहड़ा रह गया। इस करके श्रोमणी कमेटी जे दूजियां दोस्त देण तों पहलां अपनी गिरेबां दी झाती मारे असीं ये कहते निर्माता पास कर दिंदे आ कि साडा उहदा लुटिया खजाना वापस किया जाए, तो जे इहदा खजाना आप लुटिया वा तो फिर उहदा कौन जिम्मेवार जी। ये नाल होर दस्सण साडा तोशा कहिंदा लोकों बच गया जी, जे तोशे खांदे जिहड़े छट्ट छड़ गए सीगे दक्षिण द्योड़ी दे, जे वो छट्ट खोड़ के एक मगर छट्ट होर सीगे, वो छट्ट नहीं खोले उन्होंने, उन्हें अगे कुछ नहीं गजरे हुई गए कुछ गए सीगे। जे किते वो छट्ट खुल जाते तो तुहानू तुहाडे जिहड़े तुहाडियां पुरानियां वस्तणियां पईयां उत्थे एक निशिल बणी उत्थे जी जी जी। आर्मी वालिया ने जो चंगी चीज़ हाथ चाहिए वो लै गए इत्थे चुक के जी। जदों लाशां चुकण वास्ते अमृतसर के जिहड़े सी वह बुलाए गए ने, भंगी बुलाए गए ने, उन्होंने कहा गया भी आ दारू पी जे जिनी पीनी पी लो, अंदरों लाशा चुकनिया वा, जिहदे कोल जो लभे उह तुहाडा। लालच चा के उन्हें लाशा चुकिया सारिया, दारू भी पीती, सब कुछ किया। इस करके आर्मी वाले लुट खोह की, उन्होंने भी बड़ा समान सा लुटिया अंदरों। तो मैं सोचता भी ये लुटेरे घट नहीं SGPC वाले, जे कि लुट हुई है तो लौंगोवाल साहब चाहिए वा हाई पावर कमेटी बना के इनक्वायरी कराउण ताकि सच्चाई सामने आ सके जी। पट्टी साहब जिते नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल नाराज चल रहे आ, OP सोनी जिहड़े आ उह भी थोड़े जे इस गल्लों नाराज आ कि महकमा बदल दिता गया आ, पर उन्हां कैप्टन के खिलाफ कुछ भी बोलण तों जिहड़ा इनकार आ उह जरूर किया आ। समा जिहड़ा आया अपने कोल 2.5 मिनट का हैगा आ, ते OP सोनी जिहड़े आ उन्हां दी नाराजगी दा की कारण आ? सिक्ख्या मंत्री सन वो, तो उन्हां कोल वो महकमा जिहड़ा आ वैसे भी संभालिया नहीं सी जा रहा, वाद विवाद दे विच रहे आ जदों दा वो महकमा जिहड़ा उन्हां नूं मिलिया। पंजाब दा रिकॉर्ड आ जी जी, जिस भी व्यक्ति नूं जिस भी MLA नूं सिक्ख्या ते महकमा मिलिया वा वह मुड़ के दुबारा MLA नहीं बणिया, लगातार दूसरी नहीं बणिया जी। ते मंत्री ते बनना बड़ी दूर दी गल जी जी। सोनी साहब भाग वाले ने उन्हां तों छुटकारा मिल गया तो जी, क्योंकि मास्टर ने जिहड़े ओह मुजहरे करने होंदे आ, इन्हां घरे मुजहरे करदे, पुलिस लाठीचार्ज करदी, तो कहिंदे चंगा भाई वोटां तां असीं पाउणियां ने, फिर तो जिहड़ा 2-4% का फर्क हुंदा वह फिर मास्टर जिहड़ा उह गड़बड़ कर दिंदे आ। इस करके सोनी साहब नूं इह गिला आ भी मैं महकमा अच्छा चला रहा सां, इह च कोई दो राव नहीं हैगा। सोनी साहब ने जो ऐतकी वेख्या किन्ने अध्यापकां नूं सन्मानित किया, सरकारी स्कूलों के बच्चे मैरिट 'च आए ने, इहदा मतलब अध्यापकां ने पढ़ाया तो फिर ही आए। जिहड़े मैरिट 'च बच्चे आए बच्चे भी सन्मानित किए, अध्यापक सन्मानित किए। इस स्टेज पर आके उन्होंने महकमा जिहड़ा बदलना, तो मैं सोचता कोई सलफ नहीं हैगी। विजेंद्र सिंगला जरूर दिता महकमा, तुसीं वो की करते ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने रोस इस गल का भी मैं काम बहुत किया, मेरे काम की कदर नहीं की गई। लेकिन वो कैप्टन अमरिंदर साहब ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने इन्नी गल कही है कि सरकार के उत्ते ब्यूरोक्रेसी हैवी हो गई है, ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी करती है। तो जे सोनी साहब की गल ठीक आ तो फिर पंजाब दे विच सरकार जी वाकई ब्यूरोक्रेसी की आ, कोई पापूलर सरकार नहीं है जी। अंत के उत्ते पट्टी साहब किसान खुदकुशियां का जिहड़ा मामला आ वो लगातार खुदकुशियां जारी आ, उसनू लैके सरकार जिहड़ी आ उन्हें थोड़ा बहुता कर्जा माफ़ किया, हुण आस नहीं हैगी कि दोबारा माफ़ करन दी स्थिति सरकार भी हैगी आ,
ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 1300 1275 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਫ਼ੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਪ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿੱਧ ਚੜਿਆ ਵਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਆ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ